हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज नमो कौल एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो, वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, प्रेस द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ और अभी के अभी बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है ना। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ, तो सो अगेन आई विल गिव यू वन चैलेंज बच्चों, जस्ट वॉच एनी क्लास, जस्ट गो एंड वॉच एनी क्लास फ्रॉम द प्लेलिस्ट। अगर आपको मज़ा नहीं आया, अगर आपको ऐसा लगा कि यार नहीं यार इसमें वो बात नहीं है, आई थिंक दिस इज नॉट द बेस्ट कॉन्टेंट, देन यू कैन अनसब्सक्राइब, बट डेफिनेटली अभी जाके सब्सक्राइब करो। ये SHM का लेक्चर वन है। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ऐसे ऐसे मोशन होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल SHM का क्या होता है कि तुमने एक ब्लॉक को ऐसे है ना इलॉन्गेट कर दिया तो टंग 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 टंग, ये जो मोशन होता है ना, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये उतना सिंपल नहीं है जितना ये साउंड करता है, अभी सिंपल बनाएंगे इसको, डोंट वरी, है ना। तो जब ये ऐसे 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 करता है तो यार ये यहाँ पे बहुत, यहाँ पे ये रेस्ट पे, यहाँ पे ये रेस्ट पे, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है बीच में, तो यार कुछ तो अलग चलता है इसमें ना। वेलोसिटी इज अ फंक्शन, इट्स अ साइनोसॉइडल फंक्शन, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है ना, वेलोसिटी इज ऐसे बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है ना। वैसे ही पोजीशन भी ऐसे, पोजीशन बढ़ती है फिर जीरो होती है फिर माइनस होती है, तो ऐसे ऐसे पोजीशन भी ऑसिलेट करती है। तो यार देखो इसको समझेंगे बहुत ही प्यारी एनालॉजी से कि यार ये जो पार्टिकल है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर मैं देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पर ऐसे लाइट फेंक रहा हूँ, बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर लाइट फेंक रहा हूँ और ये स्क्रीन है मेरी, है ना, ये मेरी स्क्रीन है, तो इसकी जो शैडो होगी ना, ये जो पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी जो शैडो है ना, वो SHM कर रही होगी। देखो उसकी शैडो, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो ये यहाँ पे, जब और शैडो तुम मतलब लाइट तुम ऊपर से भी फेंक रहे हो, नीचे से भी फेंक रहे हो, या मिरर, यहाँ पे एक आईना है, यहाँ पे एक आईना है और ये बंदा ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आईने में जब ये यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा, है ना, ये यहाँ होगा तो आईने में ये यहाँ होगा। इट कैन बी अ मिरर और थ्रो लाइट एंड दिस इज लाइक अ स्क्रीन, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा या शैडो होगी वो SHM करेगी। तो समझ में आ रहा है, तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी शैडो ऑन एनी ऑफ द डायमीटर डज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस एनालॉजी के साथ हम इसको हम इतना एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे कि JEE मेंस एडवांस सब निकल जाएगा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, ठीक है ना। और इस चीज़ को हम और भी जगह यूज़ करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू समथिंग्स विच आर ऑफ द बुक्स एंड विच आर समथिंग्स विच आई एम श्योर दैट यू डोंट नो, ठीक है। सो बी देयर, ओके। सो गाइज, माय नेम इज नमो कौल एंड आई हैव टॉट 1 million प्लस स्टूडेंट्स, क्लोज टू 55 million प्लस व्यूज इन लेस देन 5 months। I am also an EdTech patent holder. I have been certified by the Indian Association of Physics Teachers. Recently, I had also won an award for best teaching and pedagogy at the National Teachers Conclave. But ये सब बकवास है, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, the reason I am here is because I want to make you fall in love with physics. And यार अगर physics समझ में नहीं आई तो teacher की गलती है, और chemistry समझ में नहीं आई तो आपकी भी गलती है। सुनो अब यार, ये एक और चीज़, एक रेवोल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया है, ध्यान से सुनना, एक रेवोल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया है वो है #JEELiveDaily। तो अभी के अभी बच्चों, अगेन इट विल बाइंड यू टू आर लाइव्स, टू आर हार्ट्स, बिकॉज यार हम चारों ने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ और इस हैशटैग को फॉलो करो, कुछ रहे ना रहे ये रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े ये बढ़ना चाहिए, और अभी के अभी इस लेक्चर को भी शेयर करना विद द #JEELiveDaily। अगर स्टोरी मिली, हजारों स्टोरीज भी शेयर हुएंगी, मैं हजार की हजार रीशेयर करूंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस, आप देख सकते हो, आज ही नहीं बट कंटिन्यूअसली करूंगा मैं, हर घंटे आई एम शेयरिंग 10+ स्टोरीज, यू कैन चेक, ओके। एंड इट इज समथिंग विच कीप्स मी अप एट नाइट, बिकॉज इट्स अ रेवोल्यूशन जो आगे बढ़ना चाहिए, एंड दैट इज क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अब जल्दी से सुनो यार, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ व्हाट, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप, है ना, जहां पे 28,000 बच्चे JEE एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से अपने फोन पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो गया फिर ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे ये टाइप कर दो tinyurl.com/JEELiveChat, छोटे में एंटर मारोगे ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया, ओके। अब क्या YouTube पे सब कुछ कवर होगा, JEE मेंस, JEE एडवांस, KVPY, DPP के क्वेश्चंस, क्विज में सब कुछ कवर होगा, सेल्फ स्टडी के लिए इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट पेडागॉजी, बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट इंटेंट, सब कुछ आपको YouTube अनअकैडमी JEE पे मिलेगा। इट इज द ओनली चैनल विच इज ट्रेंडिंग ऑन YouTube टुडे। उसके अलावा अब देखो, अनअकैडमी प्लस क्या है, अनअकैडमी प्लस नेटफ्लिक्स की तरह, ध्यान से सुनना, इट इज लाइक अ सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस। इसमें क्या होता है, लाइव प्लस क्लासेस होती हैं, हमारी टॉप टीम यहाँ पे पढ़ाती है, बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, बेस्ट ऑथर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल DC पांडे इज वन ऑफ द ऑथर्स जिनकी किताब आप पढ़ते हो, ही टीचेस लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस, और ऐसे 70 बेस्ट एजुकेटर्स है कोटा के HODs, दे आर ऑल टीचिंग लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। NTA की क्विजेस चल रही है, जो NTA जैसे आप JEE में एग्जैक्टली JEE का पेपर दोगे वैसा ही आप यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हो, सबसे ज्यादा बच्चे इसी को दे रहे हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन, हर चौथा सेशन एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, लीडर बोर्ड, क्विजेस, और आपने एकदम से
फोटो खींची अपने फोन से और उसको अपलोड कर दी यहाँ पे ड्यूरिंग अ क्लास, तो क्लास में सबको दिख जाएगा एंड द टीचर्स कैन सॉल्व दैट लाइव. हर चौथा सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, एक नॉर्मल सेशन में भी डाउट क्लियर कर सकते हो. एंड अगेन इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड. आप अगर देखो यार यहाँ पे तो आप पढ़ सकते हो, इट्स मोर लाइक अ सेल्फ स्टडी मॉडल, बट अगर आपको हमारे साथ पर्सनल टच चाहिए, आप हमसे बात करना चाहते हो, 24/7 कनेक्ट चाहिए, सो डेफिनेटली कम, यू हैव टू कम ऑन प्लस. उसके अलावा आप देखो गांव गांव में बच्चा बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है, मैं बताऊंगा कैसे. यू विल नो इट एंड दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल. अब सुनो यार, यहां पे अब हर बच्चा A1 में पढ़ेगा. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अभी क्रैश कोर्स भी चल रहा है ना, सिग्नेचर कोर्सेज, 11th के कोर्सेज, 12th के कोर्सेज, KVPY आता है तो KVPY के कोर्सेज आते हैं, कोटा के टॉप फैकल्टी वाले भी कोर्सेज ले रहे हैं. चीजें टाइम पे स्टार्ट होती है, चीजें टाइम पे खत्म होती है, बिफोर द एग्जामिनेशन एवरीथिंग गेट्स कवर्ड ऑन प्लस एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. उसके अलावा क्या इतने ही कोर्सेज हैं? नहीं बच्चों, 70 मोर कोर्सेज आर देयर लाइक दिस. अब देखो अनअकैडमी, अब इसका हिस्सा कैसे बनना है जल्दी से बताता हूँ और फिर जल्दी से बिगिन करेंगे. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, ये टॉप ट्रेंडिंग ऐप है और इसकी रेटिंग भी सबसे ज्यादा है, जाके जरूर चेक करना. ओके, इसको इंस्टॉल करते ही आप देखोगे कि आपको प्लस सेलेक्ट करना है, प्लस के बाद आपको सेलेक्ट करना है IIT JEE, या अगर आपका नीट है तो आप नीट सेलेक्ट कर सकते हो, या जो भी आपका गोल है. उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे कि यार आपको ये सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ खुल जाएगा आपके लिए, लाइव क्लासेस, सब कुछ, जो टेस्ट है, एवरीथिंग विल ओपन टू यू, बट आपको कितने टाइम के लिए चाहिए. तो ये सब्सक्रिप्शन की तरह होता है, आपको ये कब तक चाहिए, तो आप बोलोगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल. बट यार इसमें क्या होता है कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन काफी महंगा पड़ता है, जैसे 6,000 रुपए पर मंथ. तो इट्स ऑलवेज बेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस कोड NAMOLIVE. अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो इस रेवोल्यूशन में, सो डेफिनेटली यूज द कोड NAMOLIVE. ओके, और अगेन इफ यू यूज दिस यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. और ये दो सब्सक्रिप्शन आपको सबसे ज्यादा किफायती पड़ेंगे, लगभग अगर ये कोड आपने यूज कर लिया तो आपको 2,000 रुपए पर मंथ पड़ेगा. ये एक दिन का कॉस्ट खाली 60 रुपए, एंड इसको इसीलिए गांव गांव में बच्चा बच्चा अफोर्ड कर सकता है विद द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड यू विल बी माइंड ब्लोन. इसीलिए तो हर बच्चा इसको प्रमोट करता है. अब देखो बट बेस्ट क्या रहेगा कि अगर आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, जितना बड़ा उतना ज्यादा बेटर रहता है. उसके अलावा अब देखो कौन सा बच्चा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो देखो अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप लोगे 1 साल का सब्सक्रिप्शन. अगर आप 11th में हो तो आप लोगे 2 साल का सब्सक्रिप्शन 11th, और अगर आप 9th या 10th में भी हो और आपका फोकस अच्छा है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, साइंस इंक्लिनेशन है, तो 9th में अगर बच्चा 11th का सिलेबस कर लेता है प्लस पे, और 10th में अगर वो 12th का कर लेता है, तब वो जेई कैसे क्रैक करता है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक से, और KVPY क्रैक करता है, NTSC क्रैक करता है. तो अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज, नो दैट, एंड विद दिस लेट्स बिगिन विद द क्लास. ठीक है ना, सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड NAMOLIVE एंड एंटर प्लस टुडे. और अब जल्दी बिगिन करते हैं, आज की क्लास में आपको मजा आ जाने वाला है. SHM Lecture 1, ठीक है, नया टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेव्स में भी SHM बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है. ठीक है ना, तो यार आप देखते हैं व्हाट इज SHM. बहुत सारे किला विजुअलाइजेशन है, इसको इतना विजुअल बना दिया है कि आपको मजा आ जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं. अगेन लाइक ऐसे बेस्ट टीचिंग ऑफ फिजिक्स इज कि आपको क्लास के एंड में लगे कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमें आता था. और यही मेन मोटिव है आज की क्लास का भी. तो देखो जब कोई पार्टिकल ऐसे इसको हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ऐसे टक 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 ऐसे हो रहा है ना, ऐसे दिस इज हार्मोनिक मोशन. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ SHM. आपके माइंड में कभी भी विजुअलाइज करना है ना SHM, ये है SHM, टंग 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 ऐसे चल रहा है SHM. इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगता है, KX, है ना. अब यार ये सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे. ठीक है, तो यार ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये पोजीशन है, ठीक है ना. तो यार ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है ना, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन पे आना चाह रहा है बार बार, है ना. तो यार ये होता है एक एग्जांपल SHM का, और इसमें बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. सो देयर इज समथिंग नोन एज हार्मोनिक मोशन, है ना. ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इसको आप बोलोगे हार्मोनिक मोशन. और सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब फोर्स इज इक्वल टू -KX. इसमें मतलब एक ऑसिलेटरी इक्वेशन होती है, वो बताऊंगा तुम्हें. जैसे फोर्स ये भी तो हो सकता था -KX³, है ना, -KX⁵, तो भी ये ऐसे ऐसे करता है ना, बट वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रहता, वो दूसरा हार्मोनिक हो जाता, ठीक है ना. तो हम सबसे सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन को पढ़ते हैं, एंड दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है IIT JEE के लिए. मेरा बहुत मन है आपको और भी चीजें पढ़ाने का, बट आई थिंक वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये बहुत प्यारा है, इसको पहले समझ लो, ठीक है. हाँ, अब देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है ना, जो आपको ऑलरेडी आता है उससे स्टार्ट करते हैं. आई थिंक 9,000 बच्चे ऑलरेडी है. कैन आई गेट 900 लाइक्स इन द नेक्स्ट 9 सेकंड्स राइट नाउ, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा. इट विल रियली एलिवेट ऑल ऑफ अस. जो JEE लाइव डेली के बहुत इंटीग्रल हिस्से हैं, दे विल बी रियली लविंग इट. पीरियोडिक मोशन, अ मोशन विच कीप्स रिपीटिंग, जो पीरियोडिकली रिपीट करता रहता है आफ्टर सम टाइम. जैसे रिपीट कर रहा है 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड में ऐसे हो गया, फिर से 1 सेकंड के बाद ऐसे होगा, तो 1 सेकंड दैट इज द टाइम पीरियड. ओके,
तो स्पेसिफिक टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज नोन एज टाइम पीरियड, है ना? तो वो उसके पीरियड को कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना? तो अगेन, सो दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन, है ना? पीरियोडिक मोशन ये भी हो सकता है, जैसे ये पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, है ना? ये भी हो सकता है. अब यार कोई फनी सा मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है ना? जैसे मैं ऐसे ऐसे करूं, है ना, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, है ना? समझ गए मेरी बात, है ना? अब जैसे ये भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, टंग 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 टंग, समझ रहे हो ना? दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. तो बहुत तो बेसिकली ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना? समझ में आ गया? अगर कोई आपको परेशान कर रहा है पीरियोडिकली, वो भी एक पीरियोडिक परेशान करना हो गया, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब देखो, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि टाइम पीरियड होता है डिनोटेड बाय टी, है ना? तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं टी, ठीक है? अब एक बात और होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, है ना? अब जैसे आपके घर में दूध एक दिन में एक बार आता है, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी क्या है एक दिन की, है ना? एक बार आता है, समझ गया ना? एक दिन में दो बार आएगा तो फ्रीक्वेंसी टू हो जाएगी, है ना? टू टाइम्स पर डे, सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, समथिंग लाइक दैट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो वाली बात होती है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड में ये टंग 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 चार बार हो गया, है ना? फॉर एग्जाम्पल, तो इसका 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 वो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4 हर्ट्स. हर्ट्स इज ऑलवेज 1/सेकंड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, हर्ट्स इज 1/सेकंड. ये बहुत बड़ी गलती करते थे अपन बोर्ड एग्जाम में भी, पता है ना? मैं मिनट पे होगा तो सेकंड से कन्वर्ट करना. हर्ट्स इज ऑलवेज 1/सेकंड, इट इज दिस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड. तो यार 1/T को न्यू कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू, इट इज डिनोटेड बाय न्यू. कभी कभी एफ भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू, न्यू सिंबल होता है इसका, न्यू, NU, है ना? और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू 1/T, है ना? न्यू इज इक्वल्स टू 1/T, समझ में आ गया? 1/T. तो जैसे कि अगर टाइम पीरियड, सुनो मेरी बात, अगर टाइम पीरियड मान लो कि टाइम पीरियड है 0.1 सेकंड, है ना? मान लो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना? एग्जांपल से समझ में आ जाता है, मतलब 0.1 सेकंड में, 1/10 सेकंड में, है ना, एक मोशन हो जाता है, 1/10 सेकंड में एक मोशन हो जाता है. तो एक सेकंड में 10 बार होगा ना सर्कल, 10 बार होगा, एक सर्कल हो रहा है 0.1 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना होगा, 10 सर्कल होंगे, समझ में आ रहा है? तो 1/T से, 1/T से तुम्हारा न्यू निकलता है, ठीक है ना? 1/T से ये सारी चीजें ऑन योर टिप्स होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना? और ऐसी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी एक चीज होती है ना, जो तुम पढ़ोगे, अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी, विल डू दैट ऑल्सो. ओके, अब बात करते हैं ऑसिलेशंस की. अब देखो, इतने सारे SHM हो रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये भी SHM हो रहा है, ये भी SHM हो रहा है ना? तो बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे, टू एंड फ्रो जो होता है ना ऑसिलेशन, उसकी बात करेंगे. तो ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे पीरियोडिक मोशन कुछ भी हो सकता था, फनी से मोशन जो मैंने करके दिखाए थे, अब जैसे ये भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, बट इसमें क्या है ना? अब पीरियोडिक है ना, हाँ, सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन, एक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जहां पे टू एंड फ्रो होता है, जैसे यहां पे टू एंड फ्रो हो रहा है ना, टू एंड फ्रो, है ना? तो बेसिकली अ पीरियोडिक मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज, मतलब बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, जहां पे एक मीन पोजिशन होती है और बेसिकली वो एक्सट्रीम एंड पे जाता है, फिर दो एक्सट्रीम एंड होते हैं और एक मीन पोजिशन होती है, और दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. कभी यहां गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां पर आया, ऐसे 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 होता जा रहा है. दिस इज द मीन पोजिशन, दीज आर द एक्सट्रीम एंड्स, एंड ऑब्वियसली इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. टू एंड फ्रो कोई चीज हो रही है तो इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको, ठीक है ना? टू एंड फ्रो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर एक कंचे को आपने यहां पे किया तो ऐसे 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 करता रहेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया. ओके, नाउ लेट्स मूव, आगे देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशंस इन एन ऑसिलेशन, ठीक है ना? हमेशा ये हो रहा होगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही होगी, जैसे यहां पे भी देख लो, है ना? सबको पता है एनर्जी विजुअलाइजेशन, यहां से यहां टंग 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 टंग, तो ये जीरो लेवल हो गया, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहां पे रेस्ट पे होगा, ठीक है ना? यहाँ पे रेस्ट पे होगा. तो यार देखो, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, जीरो लेवल पे आ गया, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, फिर वापस से धीरे 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 रेस्ट पे आ गया, टंग 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 टंग. तुम्हें पता ना, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है. अब जैसे पेंडुलम में ही देख लो, जब ये मैक्सिमम लेवल पे है, ये मैक्सिमम लेवल पे है और ये मिनिमम लेवल है इसका, है ना? इसको तुम जीरो लेवल बोलो, जीरो पी, ठीक है ना? तो जब ये जीरो पी पे यहाँ पे आता है, तुम देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी है सारी, है ना? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी, वी मैक्स, ठीक है ना? और ये भाई तुम्हारा यहाँ पे रेस्ट पे है,
यहाँ पे तुम्हारा ये रेस्ट पे है और वहाँ पे भी रेस्ट पे है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे रेस्ट पे है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी। तो आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है। अब इसको SHM के टर्म्स में समझते हैं। तो यार जब भी आप SHM की बात करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अभी तक मैं आया नहीं उस पर, वी विल डू अ लॉट अबाउट SHM, अभी मैं आपको खाली बेसिक्स बता रहा हूँ। तो यार जब भी मैं SHM की बात करूंगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज की बात करूंगा, तो आपको ये जानना होगा, यू हैव टू विजुलाइज दिस वेरी केयरफुली, है ना। इसको हमेशा अपने माइंड में रखो, SHM हो रहा है, ओके स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, ये x = 0 है, ध्यान से देखो, ये आज मैंने आपके लिए क्रिएट करवाया है, ये x = 0 है, ये x max है, ये x max है, समझ में आ रहा है। तो ये पार्टिकल तुम्हारा यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो यू कैन एक्चुअली सी कि यार जब ये यहां पे पहुंच गया, तो ये यहां पे रेस्ट पे आ गया था, लिखो यहां पे, ये रेस्ट पे आ गया था यहां पे, और ये यहां पे भी रेस्ट पे आ गया था, एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाता है ना, वेलोसिटी यहां पे, वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, जीरो अब चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन। तो बेसिकली समझ में आ गया, रेस्ट रेस्ट। तो यार यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, है ना, यहां पे लिखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, है ना, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, पूरी एनर्जी स्प्रिंग में घुस गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, है ना, समझ में आ गया, यू मैक्स, है ना। और यहां पे देखो, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आती है, तो दिस इज योर नेचुरल लेंथ, है ना, तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, तो यार यहां पे तुम बोल दोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, आई एम अज्यूमिंग कि कोई और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दिस इज द जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया, यहां पे के ई मैक्स हो जाएगा, यहां पे के ई मैक्स हो जाएगा। तो आप ये देख भी रहे हो ना, देख भी रहे हो कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, मीन पोजीशन पे आते ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जीरो कर्व है ना, तो ये एनर्जी ये जीरो है तुम्हारा, ठीक है ना। तो यार यहां पे देखो, समझ में आ गया, इसको लिख देते हैं यार, ये जीरो है ना, तो ये तुम्हारा पार्टिकल है, जब वो यहां पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी यहां पे, तो समझ में आ गया ना, कर्व कैसे बना है, ये कर्व कैसे बना है, ये वाला और ये वाला कर्व कैसे बना है। और अभी तुम ये पूछोगे या सर ये पैराबोला कैसे, ये भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना, इसको हम डिराइव करेंगे पैराबोला इन द नेक्स्ट क्लास, कि ये पैराबोला क्यों आता है, बट ये समझ में आ गया ना कि ऐसे और ऐसे हो रहा है, सो इट्स अ पैराबोला, वी विल सी दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यार हर चीज विजुअल करेंगे, अभी बस अपने माइंड में थोड़ा थोड़ा बैठाते रहो, SHM ये SHM होता है, ठीक है। अब SHM वाली प्रॉब्लम को हम बहुत सिंपल बना देंगे, ट्रस्ट मी, जैसे, और आप देखोगे कि सर का सोल्यूशन और बुक में सोल्यूशन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड वही मजा है। चलो अब इसको देखो, तो यार यहां पे अब क्या हो रहा है, काइनेटिक, ये आपके नोट्स के लिए है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन ऑफ ऑसिलेशन। तो यार यहां पे अब आपको ये समझ में आ गया कि रिस्टोरिंग, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स पे भी आएंगे, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अभी हमने डिफाइन नहीं किया SHM को अच्छी तरीके से, तो बाद में देखेंगे। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये ऐसे 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 हो रहा है, और आपको ये भी पता चल गया कि देखो ये यहां पे मीन पोजीशन पे है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग क्या है, जीरो है, है ना। और हो सकता है ना कि SHM तुम्हारा एक टेबल पे हो रहा है, हो सकता है कि ये जीरो लेवल है और तुम SHM यहां पे कर रहे हो टेबल पे, तो हो सकता है कि कुछ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम वो जीरो होती है जनरली, अगर मैं इसको जीरो लेवल बोल दूंगा तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बट मैं मान के चल रहा हूं यार, चलो अगर है कोई पोटेंशियल एनर्जी मान लो, तो ये यू यहां पे यू मिनिमम लिख देते हैं इसको, है ना, जीरो स्प्रिंग की तो जीरो है, टोटल ये होगी जीरो, समझ में आ गया। तो ये बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि ये जो लेवल है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, PE, दिस इज नॉट द जीरो लेवल, दिस इज यू मिनिमम, ठीक है, यू मिनिमम। तो अगर ये यू मिनिमम है, तो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू मिनिमम, ठीक है। और तुम्हारी यहां पे, जब तुम यहां पे पहुंचेगा, ये तुम्हारा ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा, तो स्प्रिंग में भी घुस गई पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में भी घुस गई, तो यार यहां पे तुम्हारी यू क्या हो जाएगी, यू मैक्स हो जाएगा, है ना, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और सिमिलरली यहां पे भी, जब ये इस पोजीशन पे आएगा, देखो यहां पे, जब ये इस पोजीशन पे आएगा, व्हेन इट कम्स टू दिस पोजीशन, देन व्हाट हैपेंस, व्हेन इट कम्स टू दिस पोजीशन, अगेन स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी आ गई, तो यार यहां पे भी फिर से यू मैक्स और के जीरो, और यार यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, क्योंकि एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कभी बढ़ रही है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो समझ में आ रहा है ना, तो इट इज अ वेरिएशन लाइक दिस, ये बढ़ रही है तो ये कम हो रही है ना, समझ गए मेरी बात, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो यार एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे दोनों सेम हो जाती है, तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे सेम हो जाती है, वो आप निकाल पाओगे बाद में, डोंट वरी, ठीक है। चलो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके,
सो नाउ काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट आ गया है ना, तो ये यू मिनिमम समझ में आ गया ना, यू मिनिमम। और यार यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यार ये तो यू एक्स कर्व हो गया, यू एक्स कर्व हो गया। आप सबको पता है कि एफ क्या होता था, याद है, एफ माइनस डी यू बाई डी एक्स, यही होता था ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ दिस, नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो देखो यार यहाँ पे स्लोप क्या है, ये स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना, पॉजिटिव स्लोप। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है ना, मान लो कि इसकी वैल्यू है प्लस फोर, तो यार यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, माइनस, नेगेटिव ऑफ स्लोप है ना, क्योंकि फोर्स होता है नेगेटिव स्लोप, तो स्लोप लग रहा होगा, मतलब फोर्स लग रहा होगा माइनस फोर। यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप है फोर है ना, और माइनस डी यू बाई डी एक्स तुम्हारा होता है फोर्स, तो तुम्हें दिख रहा है कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और तुम्हें पता है ना यार जब स्प्रिंग इलांगेट हो रही है तो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। और जब यहाँ पे है, यहाँ पे तो नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो फोर्स यहाँ पे होगा ना, तो देखो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव स्लोप इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। इलास्टिसिटी इज नॉट ओवर, इलास्टिसिटी की थ्योरी ओवर हो गई है, बट हम क्विज में काफी सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको साक्षात तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप आप फ्लूइड्स की क्विज भी देख रहे हो साथ साथ, ओके। तो एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ये वाला पार्ट, ये बहुत ही सिंपल पार्ट है ना, इनका वेरिएशन होता रहता है, आपने शायद ग्राफ देख लिया होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यार एक होते हैं फ्री ऑसिलेशंस, एक होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एक होते हैं फ्री ऑसिलेशंस, ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं ना, है ना, और एक होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। फ्री मतलब, अब मैं समझाता हूँ, फ्री का मतलब समझो कि तुमने ऐसे ऐसे कर रहे हो, और अगर यहाँ पे देखो कोई वैक्यूम है, मतलब यहाँ पे वैक्यूम है, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये होता रहेगा, मानते हो ना, ये होता रहेगा। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, कि अगर मैंने यहाँ पे वैक्यूम कर दी तो कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, ये ऐसे होता रहेगा, बट रियलिटी में देखो डैम्प हो जाता है, रियलिटी में देखो कम हो रहा है, और फिर रुक जाएगा, ठीक है ना, इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, दिस इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये होते हैं फ्री ऑसिलेशन, की होते जा रहे हैं, और ये रेड वाला तुम्हारा जो है ना, ये डैम्प्ड है। अब जैसे ये फिर से एग्जांपल देखो, है ना, पेंडुलम के केस में तुमने देख लिया, अब इसके केस में देखो, ये डैम्प हो रहा है बच्चों, ये रियल है, ये डैम्प हो रहा है, ओके, ये डैम्प्ड, दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये है फ्री ऑसिलेशन, ठीक है ना, ये होता जा रहा है, समझ रहे हो, देखो इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, पहले ज्यादा, फिर कम, तो देख रहे हो इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ब्लू वाले का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और ब्लैक वाले का होता जा रहा है। तो सिंपल है, डैम्प मतलब डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग का मतलब होता है एम्पलीट्यूड कम होना, ऑसिलेशन का डैम्प होना मतलब वो होना, ठीक है ना। डैम्पिंग ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये होता है, जैसे तुमने स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे हिलाया तो उसमें वेव चलने लगेगी, वो पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी, विल डू दैट। तो यार वो भी डैम्प हो जाती है इन रियल लाइफ सिनेरियोस, है ना, हमेशा थोड़ी वो होती रहेगी, ठीक है ना। और अब ये होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, अपने तुमने मोटर लगा दी यहाँ पे, देखो तुमने मोटर लगा दी यहाँ पे, है ना, तुमने मोटर लगा दी, तुम एक एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हो, जैसे अब ये ऑसिलेशन हो रहा था, अब अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा फोर्स देने लग जाऊँ, है ना, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, दिस इज फ्री ऑसिलेशन। फ्री हो रहा है, होता रहेगा, डैम्प भी हो सकता है, रियलिटी में डैम्प भी हो सकता है, डैम्प हो गया, सारे समझ में आ गए, फ्री ऑसिलेशन होता रहेगा, इट्स फ्री, होता रहेगा, डैम्प्ड मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, जैसे अब देखो ये ऐसे किया, अब देखो कम हो रहा है, डैम्प हो गया, ठीक है। फोर्स मतलब अब तुमने अलग से फोर्स लगा रहे हो, ऐसे देखो अलग से फोर्स लगा रहे हो, अलग से कोई टॉर्क लगा रहे हो, जो भी, ठीक है ना। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशन थे, है ना, तो अभी फिर से रिवाइज करा देते हैं। वैक्यूम में जो होगा ये होता रहेगा, ये होता है फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, देख रहे हो, पहले ये यहां तक गया, फिर ये यहां तक गया, फिर अब ये यहां तक कहीं आएगा, है ना, फिर अब ये यहां से थोड़ा कम होगा, देखो यहां पे रुक गया, है ना, फिर यहां पे और कम आएगा, तो ये दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, देख रहे हो, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, है ना, फिर ये ऐसे, और फिर बेसिकली बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओके। डैम्पिंग एग्जिस्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, है ना, या नॉर्मल फ्रिक्शन इन द स्प्रिंग, या जो भी है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना, इन एयर, वो वैक्यूम में था। अब फोर्स ऑसिलेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है फोर्स का, कि पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर तुम्हारी मोटर तुमने बहुत तेज कर दी है ना, तो उसने देखो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ये अननेचुरल होता है, ये फोर्स्ड होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें तुमने एक्स्ट्रा पुश किया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, दिस इज फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है ना, तुमने देखो मोटर लगा दी इसमें अलग से, ठीक है, ओके। अब स्टार्ट होता है, मतलब सॉरी बहुत बार अब बोल दिया था मैंने, मेरे वॉइस में SHM हो गया था, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो यार देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कि यार ये होता क्या है,
ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें ऐसे ऐसे, दिस इज नोन एज अ हार्मोनिक मोशन, उसका सबसे सिंपल फॉर्म पढ़ेंगे हम, उसका सबसे सिंपल फॉर्म पढ़ेंगे, तो ये वो मोशन होता है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, पढ़ेंगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बट अभी अभी अपने माइंड में बस इतना रखो ये एस एच एम है, ये समझो बस ये एस एच एम है, ये जो आपको दिख रहा है ये एस एच एम है, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि अगर तुमने स्प्रिंग में ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था, तुमने इस ब्लॉक को है ना, अब देखो तुमने इस ब्लॉक को है ना स्प्रिंग के यहाँ से स्प्रिंग एक्सटेंड कर दी, अभी ऐसे करता रहेगा, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज एस एच एम, ओके। और इस एस एच एम में ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये जितना आगे जाता है ना इसको एम्पलीट्यूड ए कहते हैं, ठीक है ना, जितने टाइम के लिए ये कर रहा है उसको टाइम पीरियड टी कहते हैं, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे अपन, है ना, और फिर देर इज समथिंग नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और मतलब बहुत सिंपल है, ट्रस्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है, यू आर गोइंग टू लव इट, ठीक है। अब यार ये एक और चीज देखो, अब जैसे अब एस एच एम कहाँ हो रहा है, जहां पार्टिकल ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो इसके कहीं बीच में नेचुरल लेंथ होगी, ये नेचुरल लेंथ तब होगी अगर ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल में भी एस एच एम होगा, है ना, तो यार जब ये ऐसे 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 हो रहा है तो पार्टिकल यहां भी जा रहा है, ठीक है, यहां भी है, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड, और ये रही तुम्हारी मेन पोजीशन। तो यार अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होती है द स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन द एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर भाई एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स क्यों आ रहा है ये भी समझाऊंगा, डोंट वरी। तो यार अब इतना सा बताओ मुझे कि इसका एक्सेलरेशन, बच्चों ध्यान से सुनना, इसका एक्सेलरेशन फ्रॉम एट अ डिस्टेंस एक्स, इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, अब जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ना, तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन, तो यार देखो एक्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो यार इसको ऐसे लिखो ए वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स वेक्टर, समझ में आ रहे हो, अगर तुमने ये डिस्प्लेसमेंट किया है तो तुम्हारा फोर्स कहां लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा, फील आ रही है, तुमने एक्स ऐसे किया तो फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स पीछे लग रहा है ना, इसलिए आता है। तो बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स विदाउट द वेक्टर साइन, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, बट हम जैसे करेंगे डोंट वरी, वी विल इवेड ऑल दोस थिंग्स और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना, हमारा काम बन जाएगा, एंड विल नो एवरीथिंग, पूरी 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें, सो डोंट गो बाय द बुक, क्योंकि बुक से तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूं, मैं भी हुआ था व्हेन आई वाज अ किड, फिर मैंने एक अलग ही पेडागॉजी बनाई थी व्हेन आई बिकेम अ टीचर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है इसलिए नेगेटिव साइन आता है, ठीक है ना, और अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स माइनस के एक्स वेक्टर, ये लिख सकता हूँ ना वेक्टर वाले फॉर्म में, तो लिख सकता हूँ ना ऐसे वेक्टर वाले फॉर्म में, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है तुम सबको पता है ना यार, यहाँ पे जब ये पार्टिकल आ गया तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, जब ये यहाँ पे होगा तो उस पर फोर्स लग रहा होगा के एक्स, जब ये एक्स यहाँ पे आया है, समझ में आ गया, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा के एक्स, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना, एम ए, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया ना, क्योंकि एफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई भाई, है ना, समझ गए, तो यार तुमने क्या किया यहाँ पे एम ए, ये एम ए ही तो है ना, और ये क्या हो गया माइनस के एक्स, तो यार बेसिकली हमने उस एनालॉजी के साथ समझ लिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया, इसको एस एच एम कहते हैं, और इसको इसी चीज के हिसाब से समझ लिया, रटना नहीं है कुछ भी, तुमने एक्स डिस्प्लेस किया तो फोर्स कितना लगा के एक्स, एक्सेलरेशन भी यही होगा, है ना, के एक्स बाय एम उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब के बाय एम तो कॉन्स्टेंट होता है ना, अब देखो के बाय एम तो कॉन्स्टेंट होता है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलूंगा मैं, है ना, माइनस एक्स, क्योंकि के बाय एम इज अ कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। तो यार इसको कहते हैं, ऐसे डिफाइन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉट हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो अब बता देते हैं तुम्हें कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है, अब तुम्हें तो मैंने सिंपल स्प्रिंग का बताया, अब हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें बस फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, दिस इज FYI, हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी इक्वेशन। अब देखो ऑसिलेटरी इक्वेशन क्या होती है, कोई भी चीज़ जब ऑसिलेट करती है ऐसे 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 ऐसे, तो ऑसिलेटरी इक्वेशन होती है जिसमें फोर्स लग रहा होता है, ध्यान से देखना, फोर्स लग रहा होता है माइनस के रेस टू दी पार माइनस, सुनो यहाँ पे माइनस एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेस टू दी पार एन, जहाँ पे एन तुम्हारा क्या है, रुको एक मिनट, जहाँ पे एन तुम्हारा एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है ना, जैसे कि अब देखो ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेस टू दी पार एन, ये क्या हो जाएगा,
जहाँ पे एन वन है, दिस इज एस एच एम, ठीक है। और जब एन थ्री हो जाएगा ये दूसरा हार्मोनिक आ जाएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहा, ठीक है ना। सो दिस इज एस एच एम, जब एन वन होता है तो ये एस एच एम होता है। बट ये देखो ये सारे टू एंड फ्रो मोशन होते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें थ्री वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ, तो यार देखो थ्री वाले में अब देखो जैसे स्प्रिंग वाला केस बताया था तुम्हें। अब मैंने ये स्प्रिंग लगाई यहाँ पे, अरे रुको, स्प्रिंग लगाई मैंने यहाँ पे। अब अगर मैंने स्प्रिंग लगा दी यहाँ पे, तो स्प्रिंग लग गई है, ये मेरी मेन पोजीशन है ना, नेचुरल लेंथ बोल देते हैं इसको या मीन पोजीशन। अब ये मेरी स्प्रिंग आ गई यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्स यहाँ पे ऐसे किया, डिस्प्लेस, एक्स डिस्प्लेस किया, है ना। तो मेरा जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ये कोई स्पेशल स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये स्पेशल स्प्रिंग है, ठीक है ना, जिसपे फोर्स क्या लगता है, स्प्रिंग जिसमें फोर्स लगता है, ओके, के एक्स क्यूब, ठीक है ना। इलोंगेशन अगर एक्स होगा तो फोर्स लगेगा के एक्स क्यूब, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यार जब मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरे पे फोर्स कैसे लगेगा, देखो अब मेरा x पॉजिटिव है, x यहां पे पॉजिटिव है, तो मेरा फोर्स कहां लगेगा, यहां पे लगना चाहिए, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, वापस से मुझे यहीं पर आना पड़ेगा ना। तो मेरा फोर्स क्या आएगा, मेरा फोर्स आएगा माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो अब देखो अगर x पॉजिटिव डालूंगा तो फोर्स आएगा नेगेटिव, ठीक है, फोर्स आएगा नेगेटिव। अगर मेरा पार्टिकल यहां पे होगा, एवरी वन प्लीज सी, अगर मैंने x नेगेटिव लिया, है ना, अब यार यहां पे मेरा x नेगेटिव होगा ना, यहां पे मेरा x नेगेटिव होगा, जैसे माइनस टू ले लिया, तो देखो इसमें डाल के देखो तुम्हारा फोर्स यहां पे आ जाएगा, इसमें भी तुम्हारा फोर्स यहां पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, कि अगर तुमने x यहां पे लिया और एक केस में तुमने x यहां पे लिया, है ना, तो यार यहां पे x पॉजिटिव है तो तुम्हारा फोर्स कहां है, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, हाँ रिस्टोरिंग है। अब यार यहां पे तुमने x खुद ही नेगेटिव ले लिया, है ना, तो x क्यूब हुआ ना, अगर x स्क्वायर हुआ, देखो x स्क्वायर में अगर n2 होता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि अगर n2 होता तो नेगेटिव में भी तुम्हारा नेगेटिव फोर्स ही आ जाता, ठीक है, माइनस के एक्स रेज टू द पावर समथिंग नेगेटिव का स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव हो जाता ना। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, कि ये 1357 ऐसे क्यों चलता है, ठीक है, 1357 ऐसे क्यों चलता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी इक्वेशन। अब वैसे भी यार ये नीडेड नहीं था, बट तुम्हें बताना चाहिए, मतलब ये मेरी ड्यूटी बनती है तुम्हें बताना, कि यार अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे कि तुम्हारा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यार ये हमेशा ऑसिलेट करेगा ऐसे, बट जरूरी थोड़ी है कि फोर्स के एक्स लग रहा है, एक्स इलोंगेशन पे के एक्स स्क्वायर भी लग सकता है, के एक्स क्यूब भी लग सकता है, तो ये समझाना जरूरी है कि जब के एक्स क्यूब लग रहा था तो भी ये टू एंड फ्रो मोशन होता, बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, ठीक है ना। ये तभी होगा जब के एक्स होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि दूसरे वाले केस में क्या होता, दूसरे वाले केस में मैं बोलता कि एनी डिफरेंट हार्मोनिक मोशन में मैं बोलता इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से एक्स क्यूब एक्स रेस टू दी पार फाइव, लाइक दैट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज पल्ले पड़ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एच एम। अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं, ओके, जैसे जैसे बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा, मतलब अपने माइंड में अक्यूमुलेट करते रहो, ठीक है। अब देखो यार यहां पे क्या हो रहा है, ये ब्लैक वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ब्लैक वाला पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यहां मैं मार्क कर देता हूं, ये ब्लैक वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रेड वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, उसकी शैडो, ये स्क्रीन है तुम्हारी, ठीक है, दिस इज योर स्क्रीन। ये रेड वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ये कर रहा है SHM, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और अब यार एक और चीज, अब जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने मार्कर को ऐसे SHM कराया और तुमने बोर्ड को मूव करा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे साइन वेव बनेगी, समझो इस चीज को, वहां पे साइन वेव बनेगी, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी था, ठीक है, लाइक जो स्टार्टिंग जो बैनर था, लेट्स कम बैक टू दैट, हाँ लुक एट दिस, है ना। तो जब ये SHM कर रहा होता है, ये पार्टिकल जब SHM कर रहा होता है और तुम अगर इसको रोल कर दो ऐसे, है ना, मतलब ये देखो यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा हुआ है, ये तुम इसको मूव कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे साइन वेव बनती जा रही है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती है, इंटरलिंक्ड होती है। अभी कैसे निकलता है ये साइन वेव, क्या आता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब निकालेंगे, डोंट वरी, ठीक है, आराम से निकालेंगे। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अभी एकदम से समझ में नहीं आता है, साइन वेव को भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ। अब देखो सिंपल सी बात है, किलर विजुलाइजेशन, जब ये ब्लू वाला पार्टिकल SHM करेगा, सॉरी सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा किसी ओमेगा के साथ, है ना, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी ओमेगा के साथ, ठीक है ना। तो अब यार यहाँ पे मार्क करो, ये ब्लू वाला क्या कर रहा है तुम्हारा, UCM,
तो यार यहाँ पे अगर मैं शीशा रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे शीशा रख दूँ या एक स्क्रीन रख दूँ, है ना, अगर यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन रखी और मैंने यहाँ पे लाइट प्रोजेक्ट की ऊपर से ऐसे, है ना, ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट की, तो मैं देखूंगा कि यार जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो उसकी शैडो यहाँ होगी, ठीक है, शैडो यहाँ पे होगी, तो शैडो SHM करेगी, शैडो SHM करेगी, समझ रहे हो, जब तुम लाइट फेंक रहे हो तो ये ब्लू वाले पार्टिकल पे लाइट गिरेगी, यहाँ पे उसकी शैडो बन रही है, देखो हमेशा शैडो बन रही है ना, देखो शैडो शैडो शैडो, फिर नीचे से लाइट शैडो शैडो शैडो, ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, इसको गोला टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, तो ये एनालॉजी बहुत अच्छी वर्क करती है, जब अब इसमें देखो ये रेड वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी शैडो, अब जरूरी नहीं है कि डायमीटर पे हो, तुम यहाँ पे भी ले सकते हो शैडो, हाँ ये ज़्यादा बेटर है कि तुम लाइट एक ही जगह से फेंक रहे हो, है ना, तुम लाइट एक ही जगह से फेंक रहे हो, बहुत सारी एनालॉजी हो सकती है इसकी, तुम लाइट बहुत सारी जगह से फेंक रहे हो और ये UCM की जो शैडो है वो SHM कर रही है, जो तुम्हारा स्प्रिंग वाला मोशन था ना, तो समझ गए, UCM तुम्हें आता है, SHM तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक और देखो, एनालॉजीज बहुत सारी होनी चाहिए, अब ये बेस्ट एनालॉजी है, हम इसको बेस मान के चलेंगे, ठीक है, ये देखो तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, ये चल रहा है तुम्हारा UCM, ये तुम्हारा चल रहा है SHM, ठीक है, इंटरलिंक्ड है ना, आप देखो देखो देखो, 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 देखो। तो बेसिकली है ना, अगर मैं इनको पॉज करता हूं, ठीक है, तो बेसिकली ये मेरी वो स्क्रीन हो गई, है ना, और मैं लाइट कहां से फेंक रहा हूं, यहां से, देखो यार यहां से मैं लाइट फेंक रहा हूं, यहां से मैं लाइट फेंक रहा हूं ऐसे, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, तो अगर मैं इसको पॉज करता हूं, बच्चों मैं देखो इस एनिमेशन को पॉज करने वाला हूं, तो मैंने इसको पॉज किया और जैसे ही मैंने पॉज किया तो तुमने देखा ये जब यहां पे था ये यहां पे था, चलो एक और बार पॉज करेंगे इसको, है ना, अब इसको हटाते हैं फिर से, ये चल रहा है, एक और बार पॉज करते हैं, दूसरी पोजिशन देखते हैं, हाँ हाँ देखो अब जब पॉज किया तो यार ये यहां पे था, तो देखो ये यहां पे था, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, जब ये यहां पे था तो ये यहां पे था, तुम लाइट ऐसे फेंक रहे हो, है ना, एक और बार करते हैं, चलो पॉज, है ना, सो एवरीवन एक और बार पॉज करते हैं, हाँ इस बार पॉज किया, अब देखते हैं क्या होता है, तो यार जब ये यहां पे था तो ये यहां पे था, आई होप एवरीवन इज एबल टू गेट दिस, ठीक है ना, द एनालॉजी बिटवीन SHM एंड UCM, अभी तो आपको मजा आ जाने वाला है, ट्रस्ट मी, अभी आगे आगे देखो क्या होता है, क्योंकि आज की क्लास में मैं थ्योरी कवर करने की कोशिश करूंगा और फिर न्यूमेरिकल्स करूंगा, न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे आपके, ऐसे तब होंगे जब आप विजुलाइज करोगे, इस एनालॉजी से प्यार करोगे, ठीक है ना, सो यू रियली हैव टू लव दिस एनालॉजी दैट SHM लव्स UCM, है ना, एंड UCM लव्स SHM, तो इन दोनों में, ये दोनों में मोशन छुपा होता है, ठीक है, अब यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बताऊंगा ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा, तो यार ये जो इसका रेडियस है, अब देखो कुछ एनालिसिस कर रहे हैं अपन, इसका जो एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे देख लो, इसका जो एम्पलीट्यूड है वही तो सर्कल का रेडियस है, ठीक है, वही तो सर्कल का रेडियस है ना, समझ गए मेरी बात, और फिर ये एक ओमेगा से चल रही है, ये UCM कुछ ओमेगा से हो रहा है, वही ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, समझ गए, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये दोनों सेम होंगी, अब ये पढ़ेंगे क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डोंट वरी, वी विल डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर देंगे क्या होगा, है ना, वी विल डिफाइन ऑल ऑफ दैट, ठीक है, हाँ यार वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है, वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो ध्यान से, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो यार अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, वो ऐसे ओमेगा से चल रहा है, ठीक है ना, ओमेगा से चल रहा है, वो उसका पीरियोडिक मोशन है सर्कल में, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, तो यार मुझे एक चीज़ बताओ, ओमेगा इंटू टाइम पीरियड, ओमेगा इंटू टाइम पीरियड, इसका पूरा टाइम पीरियड होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टी इज इक्वल टू जीरो था, ये टंग एक टाइम पीरियड में यहाँ पे आ गया, टी इज इक्वल टू टी एक टाइम पीरियड में यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ओमेगा इंटू टी क्या होगा, 2π, ठीक है ना, बिकॉज ओमेगा इंटू टी इज द एंगल कवर्ड, है ना, थीटा इज इक्वल टू, कहते हैं ना थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है ना, है ना, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यार, है ना, तो बेसिकली ओमेगा इंटू टाइम पीरियड इज 2π रेडियन, तुमने 2π रेडियंस कर लिया, है ना, तो यार यहाँ से इसको कहते हैं, ये जो ओमेगा है ना, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दिस इज एंगुलर वेलोसिटी इन दिस केस, इन द केस ऑफ UCM, है ना, तो यार ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ऐसे याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 2π बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड, ये इसको हमेशा ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें, ओके, ये होती है, बट वेन यू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विथ 2π यू गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, क्योंकि यार ये क्या चीज़ है, इससे ये पता चलता है कि ये 2π न्यू होता है,
ठीक है ना, इससे पता चलता है कि 2π नहीं होता है। तो यार जब तुम बेसिकली जब तुम SHM करते हो, ठीक है, जब तुम ऐसे 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 SHM कर रहे हो, ठीक है ना, जब तुम ऐसे ऐसे SHM कर रहे हो, है ना, ऐसे कोई चीज़ SHM कर रही है, तो उसका कोई टाइम पीरियड है ना, जब वो ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर वापस आता है, ये टाइम पीरियड टी है ना। तो बेसिकली 2π बाय दैट टाइम पीरियड इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट SHM। और मजेदार बात क्या होती है ना, मतलब अभी इसको ऐसे समझ लो कि ओमेगा क्या होता है, 2π बाई टी या 2π एफ या 2π न्यू, ये इसको एफ भी कहते हैं ना, है ना, तो यार ये एफ भी हो सकता है, 2π एफ, ओमेगा इज 2π एफ या ओमेगा इज 2π बाई टी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए माइंड में, है ना, इसको बार बार यूज़ करेंगे, है ना, ये बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सब मतलब रटाने की जरूरत नहीं है आपको। तो बेसिकली यार यहाँ पे जो ओमेगा है, यहाँ पे जो UCM की ओमेगा है, वही इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, वही इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। तो यार यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे रेडियस है आर जो ए के बराबर ही होगा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है आर, ठीक है, ये एनालॉजी हम करेंगे बहुत बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM की। अब बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं बैठ के कि SHM की इक्वेशन क्या होती है, बस एक इक्वेशन का खेल है, तो वो याद कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, है ना, और फिर इसी से वेव्स वाला इक्वेशन भी आता है, बहुत सिमिलर टू दिस रहता है, ठीक है। और कभी कभी जब ये SHM y में हो रहा है, ठीक है, जब ये SHM y में हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब ये SHM ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है ना, अगर ये y एक्सिस है ना, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तब इक्वेशन होता है। कई कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब देखो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, ठीक है ना, साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, तो तुम्हें पता है कि SHM यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे ये SHM यहाँ पे होगा x एक्सिस पे, और इस केस में SHM होगा y एक्सिस पे, ठीक है ना। तो यार वो इक्वेशन कैसे आती है, उसको बहुत ऐसे चुटकियों में डिराइव करेंगे अपन, है ना, बिल्कुल चुटकियों में। तो हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से सुनना, हम उस SHM की इक्वेशन को लिखेंगे, जहाँ पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे 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 होता है, मतलब t इज इक्वल्स टू जीरो पे बच्चों पार्टिकल यहाँ पे, मतलब उसका इनिशियल फेज या उसकी इनिशियल पोजिशन सेंटर पे है, इसको कहते हैं इनिशियल फेज या इनिशियल पोजीशन। SHM का पार्टिकल यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑब्वियसली शैडो होता है ना, समझ में आ रहा है सबको, शैडो वाला फंडा, ठीक है, ऐसे है, तुम लाइट फेंक रहे हो, ज़्यादा नहीं बना, मतलब ज़्यादा बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट समझ गया ना, यहाँ पे तुम शैडो फेंक रहे हो, तो तुम्हारा SHM कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है बच्चों, तुम्हारा SHM हो रहा है वाई एक्सिस पे, तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे SHM हो रहा है वाई एक्सिस पे। तो यार तुम बस इतना सा बता दो बच्चों कि टी टाइम में अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल अगर ओमेगा से मूव कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ आया होगा ओमेगा, है ना, तो ये ओमेगा टी कवर किया होगा इसने, ओमेगा टी कवर किया होगा, तो यार ओमेगा टी अगर कवर किया है तो जल्दी से बताओ ये क्या होगा डिस्टेंस, ये होगा ए कॉस ओमेगा टी, ये होगा ए साइन ओमेगा टी, है ना, तो यही तो वाई है ना, तो यहाँ से तुमने डायरेक्टली लिख दिया, ये इसका SHM का डिस्प्लेसमेंट कितना है इन टाइम टी, SHM का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, समझ में आ गया, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ये क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ओके। अगर ये पार्टिकल यहां पे स्टार्ट करता है, आई थिंक 1000 प्लस बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, लेट्स एम फॉर 2000 लाइक्स बिफोर दिस अमेजिंग क्लास एंड्स, ठीक है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये यहाँ पे पहुंचा, है ना, जब ये यहाँ पे पहुंचा ये यहाँ पे पहुंचा, तो टी टाइम में इसने एंगल कितना कवर किया, ओमेगा टी, तो जल्दी से बस इस ट्राइंगल में ये लेंथ देख लो, है ना, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ सबको पता चल गई, ये लेंथ होगी तुम्हारी ए साइन ओमेगा टी, है ना, समझ में आ गया, है ना, ये ट्राइंगल देखो यार, ये ट्राइंगल देखो, ये तुम्हारा वाई है, ये तुम्हारा ए है, ठीक है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड ए है, ये सर्कल, ये जो गोला तुमने बनाया है ये ए एम्पलीट्यूड का है, मैंने बताया था ना, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए होता है, देखो ध्यान से देखो, है ना, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए होता है यहाँ पे, है ना, ए ए ए, समझ ना, मेन पोजिशन से ये माइनस ए जाता है प्लस ए, ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है ना, सो दिस इज प्लस ए जीरो माइनस ए जीरो प्लस ए ऐसे, ठीक है, तो यार ये पार्टिकल भी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो यार ये जो सर्कल में सर्कुलर मोशन हो रहा है ये ए रेडियस का हो रहा है, ठीक है, और ये ओमेगा से हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अब आपको निकालना है वाई, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज वाई, है ना, तो यार बस सिंपल है, वाई निकाली आपने, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आपने देखा कि टी टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो जब ये पार्टिकल तुम्हारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसकी शैडो यहाँ से यहाँ जा रही होगी, है ना, तो तुम देख लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ शैडो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन SHM क्या है, पोजिशन इन SHM क्या है,
है ना, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बट जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा SHM यहीं से स्टार्ट होगा, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा SHM यहीं से स्टार्ट होगा। हो सकता है ना कि SHM तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, पार्टिकल तुम्हारी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है ना, हो सकता है ना। तो दैट इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। जरूरी थोड़ी है कि सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो यार ये सारे फंडे होते हैं, ठीक है ना, ये सारे फंडे होते हैं इसके, कि यार SHM जरूरी नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट होने वाला SHM मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाला सर्कुलर मोशन, यहां से स्टार्ट होने वाला SHM जो यहां से ऐसे पहले ऊपर जाता है, जो अगर ऊपर जा रहा है तो उसका SHM का सर्कुलर मोशन ऐसे कुछ होगा। आई होप एवरीवन इज एबल टू एम्बाइब व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, उनके माइंड में ये एम्बाइब हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हमने देख लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एट एनी टाइम टी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। अब एक्सेलरेशन निकालो। अब कोई बोलेगा सर एक्सेलरेशन निकालो, जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो, हमें पोजिशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो काइनेमैटिक्स लगा दो, डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर मैं, अब देखो इसी में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो मैं निकालता हूँ वी इज इक्वल टू वेलोसिटी विल बी डी वाई बाई डी टी, वो क्या आएगा, अब देखो जल्दी से, ये हो जाएगा ए, है ना, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, डायरेक्टली चेन रूल लगा लिया, चेन रूल लगा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, देन डी ऑफ ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो चेन रूल लगा के ये आ जाएगा, है ना, ए डब्ल्यू ये सब। फिर एक्सेलरेशन विल बी डी वी बाई डी टी, है ना, डी वी बाई डी टी, तो बेसिकली ए ओमेगा तो आ गया। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी इज माइनस साइन, है ना, तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन भी, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, तो यार ये क्या आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, है ना, तो इफ़ यू सी ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, तुम्हें एक्सेलरेशन भी निकालना था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन आ गया। और अब ये एक्सेलरेशन, और अब ये एक्सेलरेशन अगर तुम देखोगे कि वाई क्या है, ए साइन ओमेगा टी, तो इसमें तुम ए और साइन ओमेगा टी को यहाँ पे ले लो, तो ये एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। देखो भाई डेफिनेशन ऑफ SHM है ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, देखो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, समझ में आ गया, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यार अब आई थिंक हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार ये SHM है, ठीक है ना, ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। तो एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कि यार तुम SHM मत देखो, तुम ये देख लो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, जो UCM हो रहा है। और हम सवाल भी वैसे कर लेंगे, हर एक सवाल वैसे हो जाता है, बट उसको करने का एक तरीका होता है, एक नैक सिखा दूंगा तो आपको सब कुछ हो जाएगा। इन SHM ऑफ अ पार्टिकल द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, तो यार ये चीज़ समझ में आ गई, ये इक्वेशन ऑफ SHM होती है, बट ये तब होती है वेन इनिशियल फेज इज जीरो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये फाई क्या है, इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज इज द एंगल, है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब UCM में ये फाई क्या है ना, अगर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा होता, देखो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना UCM, अगर ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा होता तो ये 60 डिग्री से, तो मैं बोलता फाई 60 डिग्री है ना, अगर ये 90 डिग्री से स्टार्ट करता तो मैं बोलता फाई 90 डिग्री है। और सिमिलरली SHM भी देख लो, ठीक है, फाई इज वेयर द SHM स्टार्ट्स, जहाँ से इनिशियल फेज, इसे कहते हैं इनिशियल फेज और द इनिशियल पोजीशन इन द UCM और इनिशियल फेज इन द SHM, ठीक है। अब जैसे तुम ना, मैं एक चीज बताता हूँ, दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, मैं तुम्हें ये तुम फेज फेज सर फेज फेज बहुत बोल रहे हैं ना, लाइफ में हाई फेज होते हैं और लो फेज होते हैं, तो देखो दो SHM हो रहे हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है ना, ये आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ये खाली बोलने से नहीं होता, ये सब किताबों में भी नहीं मिलेगा। दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, दोनों सेम फेज में, क्योंकि हाई फेज ऑफ लाइफ लो फेज ऑफ लाइफ, समझ आ गया। अब देखो दे आर आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस है इनके बीच में, कुछ फेज डिफरेंस है, जब ये ऊपर है तब ये नीचे है, समझ में आ रहे हो, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है, दे आर इन द सेम फेज, ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था या समथिंग लाइक दैट, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज इज द इनिशियल पोजिशन जहाँ से तुमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फेज को ऐसे समझो, है ना, प्रैक्टिकली समझो, मजा आएगा फिजिक्स में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको मैथमेटिकली ले लेते हैं कि यार एक चीज़ होती है फेज, एक चीज़ होती है कुछ, है ना, समझो, है ना, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। बट जनरल इक्वेशन ऑफ SHM जो मैंने बोला था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो कैसे आती है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला था, जरूरी नहीं है कि SHM ऐसे होगा, ये इनिशियल फेज से स्टार्ट हो रहा है, देखो अब तुम्हारा ये पार्टिकल, ये सब नहीं होगा कहीं, देखो ध्यान से, ये इनिशियल पार्टिकल तुम्हारा फाइव पे है,
है ना, इनिशियल पार्टिकल तुम्हारा 5 पे है, सो दिस इज टी इज इक्वल्स टू 0 जहाँ पे तुम्हारा पार्टिकल ये है, और SHM में तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे है ना, SHM में तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे और ये ऊपर जा रहा है, तो SHM ऐसे हो सकता है ना, ऐसे 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 ऐसे। और अगर SHM ऐसे स्टार्ट हो रहा होता, ऐसे स्टार्ट हो रहा होता नीचे जा रहा है ना नीचे से, तो तुम्हारा ये पार्टिकल यहाँ पे होता, ठीक है ना, अगर ये नीचे जा रहा होता, बट तुम्हारा पार्टिकल यहाँ स्टार्ट कर रहा है, ऐसे SHM स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो नहीं तो मैं इसको यहाँ से लेता, ऐसे लेता, वो सब भूल जाओ। अब हम बेसिक एक बहुत ही जेनरिक केस ले रहे हैं कि यार ये टी इक्वल्स टू 0 था जहाँ पे तुम्हारा पार्टिकल ऑलरेडी 5 पे था, उसके बाद टी टाइम के बाद वो ओमेगा टी और कवर करेगा ना, ओमेगा टी और कवर करेगा है ना, ये ओमेगा टी और कवर कर लिया इसने, 0 से टी ओमेगा टी कवर कर लिया, तो यार ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया ये एंगल है ना, तो सबको समझ में आ गया कि ये एंगल हो गया ओमेगा टी, ये हो गया फाइ, कितना हुआ टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना हुआ ओमेगा टी प्लस फाइ है ना, इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करो, इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करो, वो ब्लू वाला पार्टिकल है ना, चलो ब्लू है ना, तो ये ब्लू वाला पार्टिकल तुम्हारा कहाँ पे है, गोला बनाओ, ठीक है, ब्लू वाला पार्टिकल तुम्हारा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये टी इज इक्वल टू टी पे है ना, कितने कितना एंगल कवर कर लिया इसने, यहाँ से यहाँ आ रहे हो है ना, कितना कवर कर लिया, ओमेगा टी प्लस फाइ तो था ही इसके पास है ना, सिंपल है यार है ना, तो इसका इसका भाई यहाँ पे होगा, इसका वाई निकालो चुपचाप है ना, वाई क्या होगा, इस लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ये तो ए है, ए लेंथ का गोला था, ए लेंथ का गोला था, बताया था ना, ए लेंथ का गोला था, तो ये कितना होगा, ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि तुम्हें पता ना यहाँ पे अगर तुम ट्राइंगल बनाओगे है ना, यहाँ पे तुम ट्राइंगल बनाओगे तो ये होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यार यहाँ से आराम से आ गया वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, कितनी प्यारी चीज़ है, कितनी प्यारी चीज़ है, राइट, बहुत सारे हार्ट्स भी आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है मुझे, आई होप मतलब आई इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, गुड ऑसम, ठीक है, लव यू ऑल गाइज, आई मीन बहुत ही यही तो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी आती है यार, ऐसे थोड़ी होता है सब कुछ, तो ये इनिशियल फेज था, या इसको क्या कहोगे, इनिशियल पोजिशन, इनिशियल फेज ऑफ SHM, या इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन, एंगुलर पोजिशन है ना, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन मतलब किस एंगल पे बड़ा है, 0 पे बड़ा है यहाँ पे है ना, 60 डिग्री मतलब यहाँ पे, 90 डिग्री मतलब यहाँ पे है ना, सर पे बैठा है तुम्हारे यहाँ पे है ना, या यहाँ पे हो सकता है ना, 2π/3 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इनिशियल एंगुलर पोजिशन इन UCM, इसको कहते हैं फाई, फाई होता है इनिशियल फेज, ठीक है ना, फाई होता है इनिशियल फेज, और SHM में इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को कहते हैं फेज, ये पूरी चीज जो होती है ना इसको कहते हैं फेज, ठीक है, इस पूरी चीज को कहते हैं फेज, है ना, समझ में आ रहा है, अब टी को जीरो करो तो इनिशियल फेज आ गया ना, है ना, फेज को टी को जीरो करो, इनिशियल फेज फाइव होता है, इसीलिए इनिशियल फेज फाइव होता है, इसीलिए इसको इनिशियल फेज कहते हैं, इनिशियल फेज इज दिस एंगल है ना एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, क्लियर। अब अगर तुम्हें कोई बोले, अगर अब तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारा SHM ना यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, टंग 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 है ना, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो भाई उसका इनिशियल फेज क्या है, उसका इनिशियल फेज है पाई बाय टू, UCM में देखो, UCM में देखो, सर्कुलर मोशन में भाई यहाँ पे बैठा तुम्हारा है ना, अगर अगर वो नीचे से स्टार्ट कर रहा होता है SHM है ना, माइनस ए से स्टार्ट कर रहा होता है, y इज इक्वल टू है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा होता तो क्या करते भाई, अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा होता तो क्या करते, तो तुम बोलते कि इनिशियल फेज ऑलवेज फ्रॉम हियर, तो तुम ये वाला एंगल लेते, तुम लिखते फाई इज इक्वल टू 3π/2, काम खत्म, वैसे अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा है, चलो अपन तो नॉर्मल करते हैं, ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम लिखोगे है ना इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है, y इज हो यस, अब हम कुछ और फॉर्मूले करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डूइंग SHM मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम t, अब यार देखो अगर तुम्हारा ये SHM ऐसे 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 हो रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बताओ है ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है ना वेलोसिटी क्या है, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो यार वो कैसे निकालोगे, अब यार इसमें मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, गारंटीड, ठीक है, और वो भी मैं तुम्हें ऐसी इसी एनालॉजी से बताऊंगा, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM, बट पहले बुकिश में देख लेते हैं जो आपने हर जगह पढ़ा होगा, तो यार यहाँ पे आ जाता है कि यार ये इक्वेशन ऑफ SHM था, ये आपके इक्वेशन ऑफ SHM था, ठीक है ना, ये वो आपका इक्वेशन ऑफ SHM था जहाँ पे गोला ऐसे था, ठीक है ना, गोला ऐसे था, तुम्हारा SHM ऐसे फाइव से स्टार्ट हो रहा था, फाइव से स्टार्ट हो रहा था, और इसका रेडियस ए था, ठीक है, इसका रेडियस ए था सर्कल का, और ये तुम्हारा फाई था, ये टी इज इक्वल्स टू जीरो था, ठीक है ना, और ये वाई इज इक्वल्स टू प्लस ए है, ये वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए है, तुम्हारा SHM यहाँ पे हो रहा है, तुम्हारा सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, टंग 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 टंग, तो इन दिस केस, लाइक आई सेड,
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे, है ना? तो पहले यार आपने ये इक्वेशन निकाली थी, है ना, एट एनी टाइम टी ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया था, बिकॉज टी टाइम के बाद ओमेगा टी और होगा, तो यार ये एंगल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आप वाई डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो एस एच एम का. तो यार ये इक्वेशन आपको पता है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम होती है, ठीक है ना? और अब अगर एस एच एम वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो आप ये इक्वेशन लिखते हो. अब अगर एस एच एम एक्स में हो रहा था तो तुम क्या लिखते, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है. अगर जेड में कर रहा होता भाई, है ना, अब अगर जेड में कर रहा होता एस एच एम, तो z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं. मतलब समझ जाओ, बी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना? तो वेलोसिटी क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, इसको डिफरेंशिएट करो. वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये क्या आता है, इसको जब आप करोगे तो आप करोगे d ऑफ, इस बार थोड़ा लॉन्ग में करके दिखाता हूँ, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, इन टू डी ऑफ, है ना. चलो यार हमारे साथ थोड़ा धोखा हो गया स्पेस का, कोई नहीं, है ना, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है. क्या आएगा, है ना, ए तो कांस्टेंट है, ए एज इट इज रहेगा. साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करो, साइन हो जाता है कॉस, ठीक है, तो कॉस ऑफ, कॉस की जगह काउ हो गया भाई, क्या हो रहा है, गैया आ गई, है ना, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. आमीन, 10 साल में पहली बार हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये काउ नहीं होना चाहिए था बट हो गया, ठीक है ना, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. अब आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ए ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना, ए ओमेगा. तो यार ये आपका, या ये क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है, बच्चों ध्यान से सुनो, ये आपकी वेलोसिटी है, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज अ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. तो यार ये आपको पता चल गया, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, बट इसको एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ क्या, इसको एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, कि अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज ए बाई टू, है ना, अगर मैं बोलता चलो डिस्प्लेसमेंट इज ए बाई टू, यहाँ पे वेलोसिटी बताओ क्या है, है ना, जैसे यहाँ पे जीरो आनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम आनी चाहिए, ए पे जीरो आनी चाहिए, जैसे अगर मैं फाइव को, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. तो अब देखो, तो यार इसमें मैं क्या करूँगा, v इज इक्वल्स टू, मेरा डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो मैं यार यहाँ पे इस इक्वेशन से लिखूंगा, है ना, y बाई a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. तो मुझे पता है साइन ये है, मुझे पता है साइन ये है, है ना, फ्रॉम माई इनिशियल इक्वेशन, फ्रॉम दिस इनिशियल इक्वेशन आई नो दैट दिस इज दिस. अब अगर मैं इसको थोड़ा प्यार से लिखने की कोशिश करूं तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसको मैं वैसे लिख दूंगा, मुझे इसे कुछ करना है, इसके साथ मुझे कुछ करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, थोड़ा सा मैच लगा दिया मैंने, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, वो यहाँ पे लगा दिया. तो यार वो जब यहाँ पे लग गया है, तो आप वेलोसिटी क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ से देखो, अब आप ये चीज़ यहाँ पे डाल दोगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और एक्स भी हो सकता है, अगर एस एच एम तुम्हारा एक्स में हो रहा होता तो तुम निकाल सकते थे वेलोसिटी क्या होगी वहां पे, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ओके ओके, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस, ठीक है, ओके. अब इसी चीज को, हाँ, अभी एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी. अब मैंने जैसे बताया था यार एस एच एम में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो यार यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, देखो क्योंकि ये नेचुरल लेंथ होगी, है ना, ब्लॉक की, है ना, तो यार यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, दिख भी रहा है, देखो इसका वेक्टर देखो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. तो वो वेलोसिटी क्या होगी, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये एक्स एक्सिस वाला वो है. बट यार यहाँ पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी, जल्दी से यहाँ पे लिखो, है ना, यहाँ पे वी मैक्स वी मिन, ठीक है, वी मैक्सिमम क्या होती है, वी मिनिमम क्या होती है, दोनों यहाँ पे लिखो. वी मैक्सिमम विल बी वाई को जीरो कर दो, है ना, मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर वाई को मैं जीरो कर दूँ, ये नेगेटिव कर रहा है ना, कुछ कम कर रहा है इसको, तो मैंने वाई को जीरो रखा तो मेरा ओमेगा ए आ गया. ये कब होता है, एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो,
ठीक है, मीन पोजीशन पे होता है ये, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे, ठीक है, मीन पोजीशन पे, जो तुम्हारी मीन पोजीशन होती है ना वहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। जैसे यहाँ पे मीन पोजीशन है, जब जो तुम्हारा ऐसे ऐसे स्प्रिंग हो रहा था, यहाँ पे तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वी मैक्स, और यहाँ पे तो जाके रुकता है ना, यहाँ पे रेस्ट पे आता है, ये मिनिमम होती है, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी। इसकी मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, जब एट वाई इज इक्वल टू ए कर दो जीरो हो जाएगी, वी मिनिमम इज इक्वल्स टू जीरो है ना, एट वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, ठीक है ना, एट द एक्सट्रीम पोजिशंस ये जीरो हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया है ना, ओके, आई थिंक बहुत मजा आया यार, 1000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग। इसको शेयर जरूर करना हैशटैग JEELive Daily के साथ, प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। तो यार अब देखो, तो यार ये आ गया वी मैक्स आपका, ये आ गया वी मिनिमम आपका, ये आ गया, एंड दैट्स इट, ये इसकी वेलोसिटी है। अब आप वो रॉक स्टार मेथड जानना चाहते हो वेलोसिटी निकालने का, रॉक स्टार मेथड, ठीक है। अब रॉक स्टार मेथड ये है, ध्यान से सुनना, रॉक स्टार मेथड ये है कि आपने क्या किया, इसकी वेलोसिटी निकाल लो, है ना। देखो यार यहाँ पे देखो कि अब देखो इसको मिरर की तरह ट्रीट करो, दिस इज लाइक अ मिरर, है ना, ये मिरर है आपका, मिरर और अ शैडो वाला थिंग, है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे टंग 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 किसी एक पॉइंट पे, इस भाई की तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, इस भाई की वेलोसिटी कितनी है ना, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना, एक सर्कल में v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, यू सी एम में ये होता है ना, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा ए, है ना, ओमेगा ए आर ओमेगा, है ना, तो इसकी वेलोसिटी हो गई ए ओमेगा ही लिखते हैं यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम फालतू में, है ना, ए ओमेगा लिखो इसकी वेलोसिटी, वेक्टर से कर डालेंगे जो तुमने निकाली थी ना वहाँ पे इतना ज़्यादा मेहनत करके, उसको हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, सुनना, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे एट एनी टाइम टी, ये क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, ये एंगल होता है ना एट एनी टाइम टी पार्टिकल यहाँ पे होगा, एट एनी टाइम टी पार्टिकल यहाँ पे होगा, फाई एंगल था, ओमेगा टी से इतना ट्रैवल किया, इसकी वेलोसिटी ये है। तो भाई इसके प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, वो तो कम होगी ना, ये जो तुम्हारा भाई है इसकी वेलोसिटी, ये जब ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जब ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके इस कॉम्पोनेंट के बराबर होगी, क्योंकि तुम्हें पता है, सुनना, ओके सो एवरीवन, तो आप ये समझ रहे हो ना, तो यार ये जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ये जब ऐसे जा रहा है, एवरीवन प्लीज सी, जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसकी ये वाली जो वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, ये दोनों वेलोसिटीज ऊपर जाएंगी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा, मतलब आप समझे ना, क्योंकि इसकी दो वेलोसिटीज है, ध्यान से देखो, इसकी दो वेलोसिटी है, ये जो पार्टिकल है एट एनी टाइम टी, ये ऐसे जा रहा है, तो यार इसका जो ये वाला वाई कॉम्पोनेंट होगा ना, वही यहाँ पे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फील करो, अगर ये मिरर होता तो ये मेरे साथ साथ चलती वेलोसिटी, अगर मैं मिरर में ऐसे चलूं, है ना, ऐसे चलूं, तो मेरी जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना, वही मिलेगी मेरी इमेज को, समझ रहे हो ना, वही मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, क्योंकि अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये पार्टिकल लाइट ऐसे फेंक रहे हो ना, अगर ये ऐसे जाता है तो यार ये वाला मूव नहीं करेगा, शैडो मूव नहीं करेगी, ये फालतू वेलोसिटी है, ये असली वेलोसिटी है। तो यार ये वेलोसिटी देख लो, बहुत सिंपल यार, मजा आ जाएगा, रुको, तो यार ये ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, तो यार ये भी क्या होगा, ये एंगल भी होगा तुम्हारा ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यार ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये क्या होगा, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यार ये एंगल भी तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यार जो तुम्हारी वेलोसिटी ये हो जाएगी ना, वी इन एस एच एम, है ना, वी इन एस एच एम, अब यार इसको क्या लिखें, वी इन एस एच एम को क्या लिखा है ना, चलो इसको वी नॉट लिख देते हैं, तो दिस विल बी वी नॉट, है ना, तो दिस विल वी विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस, आई होप आपको फीलिंग समझ में आ गई, ठीक है ना, तो ये वी है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यार, इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट है ना ए ओमेगा, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एस एच एम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एस एच एम, है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द एस एच एम विल बी वी नॉट ऑफ दिस, है ना, तो वी नॉट इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो बेसिकली इसको आपने विजुअली भी कर लिया, सो दिस इज किलर विजुअलाइजेशन, इसको आपने विजुअली भी कर लिया, पहले आपने इसको डिराइव करके किया, ये ब्लाइंड तरीका था, ये इक्वेशन है डिराइव करो ये आ गया, ये अब देखो इसको तुमने साक्षात तरीके से विजुअलाइज कर लिया कि तुम्हारा जो पार्टिकल था, है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना, तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे आया टी टाइम पे, है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, है ना, तो यार इसकी ये कितने से चल रहा है, ए ओमेगा से, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट, है ना, ये इसकी दो वेलोसिटी है, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे
भी जा रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, वही ये वाली वेलोसिटी होगी। क्योंकि देखो, अगर अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे मूव करता हूँ तो यार ये शैडो मूव नहीं करेगी उससे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। ऐसे ही एक्सेलरेशन का भी करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है, एंड देन वी विल काइंड ऑफ एंड। तो आई होप, सो आई हैव ऑलरेडी गॉट अ सिग्नल फ्रॉम पारा सर कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड दिस, है ना, क्योंकि यार SHM चल रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा है ना, आपका रिस्पॉन्स देख के, आई मीन इट्स रियली ऑसम गाइस। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM की बात करते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM, तो यार ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी ये थी। अब एक्सेलरेशन निकालो, अब एक्सेलरेशन निकालो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन निकालने के लिए। पहले ब्लाइंड वे, मैं आपको बुकिश मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद awesome वाला बताएंगे, ठीक है ना। वैसे आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए बाय द वे, जल्दी सवाल करने के लिए JEE में, बहुत कम, ट्रस्ट मी, मैं आपको सबसे कम लगेज दूंगा SHM में। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM क्या होता है, वी निकाल दिया, एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। फिर से डिफरेंशिएट करो इस भाई को, फिर से, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से किया था, है ना। नाउ द डिफरेंशिएशन वॉज डन ऑफ कॉस विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, ठीक है ना। अब नाउ डिफरेंशिएट दिस थिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा इंटू ओमेगा, तो क्या आ रहा है, जल्दी लिखो, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो नाउ दिस इज योर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। सो दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे अगर तुम मैं कोई बोल दे टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन निकालोगे, तो तुम ये फॉर्मुला लगा दोगे, बट हम ये सब नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो भाई क्वेश्चन करोगे ना जो आप JEE लाइव डेली पे, उन्हीं को फॉलो करो, आपके फंडे बड़े स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है ना। तो यार ये तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, अरे मैंने क्या लिख दिया, एफ इज इक्वल टू डी, ये क्या बकवास है, रुको। ये है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एट वाई, वहां ऐसे हो रहा है ना SHM, वाई इज इक्वल टू ए बाई टू पे, या वाई इज इक्वल टू ए बाई थ्री पे, यहाँ पे SHM हो रहा है, वाई इज इक्वल टू ए बाई थ्री पे क्या एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली फोर्स यहाँ पे होगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा वहां पे, तो एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी निकालेंगे। तो यार ये चीज क्या है, ये चीज तुम्हारी वाई है ना, ये चीज तुम्हारी वाई है एज इट इज, है ना, ये चीज तुम्हारी वाई है। तो अगर तुम इसको यहाँ पे डालोगे तो तुम्हारा ए आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, जो तुम्हारा SHM का कंडीशन भी था, एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही आ गया, खुश हो जाओ। नाउ दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ y, अंडरस्टूड। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM, ठीक है। अब एक और चीज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होता है, है ना, कहां पे होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब तुम्हारा SHM कहां हो रहा है, फिर से वो गोला बना दो, तुम्हारा एक्सेलरेशन, तुम बोलोगे सर जो SHM हो रहा है वो तो यहां पे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, है ना। तो दिस इज y इज इक्वल्स टू प्लस a, दिस इज y इज इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है ना। तुम्हारा SHM यहां पे कहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये यहां पे था, फिर ये यहां पे गया, फिर ये यहां पे गया, है ना, तुम्हारा SHM इस पे हो रहा है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे होगा, यहां पे लिखो a मैक्स इज इक्वल्स टू इसको मैक्स कर दो, y मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कहां है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, है ना, प्लस माइनस, ठीक है ना, ये तुम्हारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए नीचे होगा, यहां पे ओमेगा स्क्वायर ए प्लस ऊपर होगा, मैग्नीट्यूड में कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो प्लस माइनस है, समझ में आ गया, तुम्हारा मैक्सिमम, और तुम्हें दिख भी रहा है स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ में थी, यहाँ टंग 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 ऐसे कर रही है ना, तो बेसिकली ये तुम्हारी मेन पोजीशन है SHM की, मेन पोजीशन। अब देखो वर्टिकल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ग्रेविटी भी आ जाती है ना, तो वर्टिकल में चीज़ें चेंज हो जाती है, तो यार ऐसे ऐसे हो रही है, बस इतना समझो मेन पोजीशन से जब ये ऊपर जाएगी तो फोर्स यहाँ पे होगा ना, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये यहाँ पे होगा, तो देखो फोर्स यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे नेगेटिव में, जब ये स्प्रिंग इलॉन्गेटेड है तो फोर्स यहाँ पे होगा और एक्सेलरेशन भी यहीं पर होगा, ठीक है ना। और ए मिनिमम क्या होगा, ए मिनिमम इज इक्वल्स टू जीरो, ये कहाँ होगा, वाई इज इक्वल्स टू जीरो पे, ये होगा एट वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे। आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड दिस रियली वेल, ठीक है। तो यार ये चीज़ समझ में आ गई है हमें, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया था
फिर ये आ गया था ए मिनिमम जीरो होता है, ये कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे, जहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होता, दैट्स द मीन पोजीशन, फोर्स बैलेंस पोजीशन, ठीक है। फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। ए मैक्स क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंट, यहाँ पे भी हम प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, इसको भी हटाई देते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकली समझ में आएगा, मतलब ये है तुम्हारा। और अब यार हाँ, अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रह गई थी, है ना। तो बेसिकली इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को हम थोड़ा डरावने वे में भी लिख सकते हैं। ये जो तुमने यहाँ पे लिखा है ना, ए इज इक्वल टू, ये छोटा सा इक्वेशन जो SHM का भी इक्वेशन होता है, इसको आप कहते हो ना, दिस इज हाउ SHM इज डिफाइंड। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, थोड़ा डरावने वे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, लिखो प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, है ना, ये वही 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 चीज़ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये वही चीज़ है ना। तो यार ये इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज, आपकी किताबों में भी लिखा होगा, दिस इज नोन एज द बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप मैथ्स में पढ़ते हो तो वो ये होता है। तो यार अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैंने तुम्हें कोई इक्वेशन दे दी वाई में, है ना, अब अगर मैंने तुम्हें इक्वेशन दे दी वाई में और मैं तुमसे पूछूं क्या ये SHM है, तो तुम इससे टेस्ट करोगे कि SHM है या नहीं है, ठीक है ना। उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, फिर देखोगे उसका एक्सेलरेशन, मतलब दो तरीके होते हैं, बट इसको बोला जाता है कि बेसिक डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ SHM। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज देखो जैसे कभी बिट सैट जो तुम्हारे सिंपल एग्जामिनेशन होता है ना जेई मेन के अलावा, उसमें ना देखो इट्स अबाउट स्पीड, नीट में भी तो तुमसे डायरेक्टली ये इक्वेशन पूछ सकते हैं, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, पूछेंगे कि कौन सा इक्वेशन है SHM का, तो देख लेना, डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, जहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाए या ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाए, वो तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है, बता दिया। अब वही चीज जो तुमने वहां पे डिराइव किया है ना, सिंपल सी बात है, तुमने वहां पे क्या डिराइव किया था, तुमने यहां पे डिराइव किया था कि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये होता है ना, यही होता है, या ये होता है ना, या ये होता है। क्या आप इसको भी विजुअली कर सकते हो सर, आपने वेलोसिटी वाला तो बहुत अच्छा समझाया, इसको भी समझा सकते हो क्या, समझाते हैं, बट उससे पहले ब्लैक स्क्रीन पे जाते हैं, तुम्हें ब्लैक स्क्रीन पे ले जाते हैं और जो तुम्हें ऑप्टिक्स में पढ़ोगे ना वो तुम्हें अभी पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, है ना। ऑप्टिक्स में ये रहा तुम्हारा मिरर, ये रहा तुम्हारा मिरर, टंग 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 टंग, ठीक है। अब इसमें अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा इसका, है ना, ऐसे जाएगा, है ना। तो भाई अगर देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 meters per second square होगा, तो इसकी इमेज यहाँ पे होगी ना, इसकी इमेज यहाँ पे होगी, है ना, तुम्हारा सर यहाँ पे, तो अंदर तुम्हारा मिरर के अंदर सर यहाँ पे, तो यार ये भी ऐसे एक्सेलरेट कर रहा होगा, ध्यान से देखो, ये भी ऐसे एक्सेलरेट कर रहा होगा 2 meters per second square। बट अगर मैं शेडो की बात करूँ, है ना, अब यहाँ पे स्क्रीन है ना, तो मैं ऐसे लाइट फेंक रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे लाइट फेंक रहा हूँ, और यार यहाँ पे अगर मैं शेडो की बात करूँ, तो ये जो शेडो है तुम्हारी, शेडो है ना, अब यार इसको तुम ले लो थीटा, इसको ले लो तुम थीटा, ये भी हो गया तुम्हारा थीटा, ये तो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये शेडो है ऑन अ स्क्रीन, ये अगर स्क्रीन होती तो ये शेडो होती, हम शेडो किसे करते हैं SHM, है ना। तो जब ये ऐसे जा रहा है ना, जब ये ऐसे जा रहा है, तो यार ये कैसे जा रहा होगा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर होगा ना यहाँ पे, तो यार इसमें भी आप क्या करोगे, इस एक्सेलरेशन को तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे और इसको तोड़ोगे, ऑब्वियसली इसके यहाँ पे एक्सेलरेट होने से इसको कुछ नहीं होगा, शेडो को इसको कुछ नहीं होगा, बट ये जब ऊपर एक्सेलरेट होगा तो यार ये दोनों सेम होंगे, अगर ये इसका ए वाई है, ये भी इसका ए वाई होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बेटर इज कि तुम मिरर वाला केस मत लो, शेडो वाला लो, बट मैंने तुम्हें मिरर से समझाया कि तुम्हें समझ में आए कि मिरर में अगर ये ऐसे जाता है तो ये ऐसे आता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन से, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो यार उसका इमेज भी एक्सेलरेट कर रही होगी, है ना, और अगर उसकी शेडो होती, ठीक है, खाली अगर तुम लाइट फेंक रहे हो, शेडो देख रहे हो, तो ये वाला एक्सेलरेशन होगा। अब यार सर्कुलर मोशन हो रहा है ना वहाँ पे, तो सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है ना, आप सुनना, अब सर्कुलर मोशन में तो एक ही एक्सेलरेशन होता है, ये तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है स्पीड, बट वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, बहुत प्यारी चीज है, तो एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी टाइम टी, ये भाई तुम्हारा यहां पे है, ठीक है, एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी,
ठीक है, तुम्हें पता है ये एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि फाइव पे था ओमेगा टी पे, ओमेगा टी चल गया, तो तुम्हें ये एंगल पता है। तो ये एंगल क्या है तुम्हारा, ये एंगल है तुम्हारा ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी ना थोड़ी देर के लिए इसको छोटा एंगल मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ये तुम्हारा भाई तुम्हारा थीटा है, ठीक है ना, ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है ना, इसको थीटा ले लेते हैं। तो अब देखो, अब तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, इसका तुम्हारा कौन, इसका तुम्हारा जुड़वा भाई यहाँ पे जो SHM कर रहा है, ये तुम्हारा UCM कर रहा है, ये तुम्हारा SHM कर रहा है। तो भाई इसका एक्सेलरेशन कहाँ होता है, ये मिरर, मिरर या तुम्हारी ये शेडो है ना, ये इमेज है, स्क्रीन है, ठीक है, तुम देख भी रहे हो ना, वेलोसिटी देख रहे हो, वैसे एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो यार एक्सेलरेशन, अब तुम्हें पता है ना, देखो अगर कोई टेबल पे, अगर कोई टेबल पे सर्कुलर मोशन चल रहा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, एक स्ट्रिंग है तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन टेंशन टी 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 टूवर्ड्स द सेंटर, वो फोर्स एक्सेलरेशन देता है सेंट्रीपिटल, वही तो बेसिकली द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि फोर्स वहीं पर होगा। तो यार देखो यहाँ पे इसका जो फोर्स होगा वो वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर है ना होगा। तो यार इस पे, इसमें इसकी वेलोसिटी क्या रहती है हमेशा, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ये ए ओमेगा है ना, यूसीएम ए ओमेगा है। तो यार ये एक्सेलरेशन कितना होगा है ना, ये रेडियल एक्सेलरेशन इसका जो होगा, ये एक्सेलरेशन इसका होगा वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय ए है ना, समझ में आ गया, वी स्क्वायर बाय ए। इसको थोड़ा सा प्यार से नीटली लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका वी स्क्वायर बाय ए या वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब अगर इसका एक्सेलरेशन ये है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका तो एक्सेलरेशन यहीं पर होगा ना, शैडो तो इस पे ही मूव कर सकती है, ये इस पे ही मूव कर सकती है ऐसे ऐसे है ना। तो यार अब इसका, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वेस्ट कंपोनेंट, ये यूजफुल कंपोनेंट, ये वेस्ट कंपोनेंट और ये यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है ना। हाँ तो यार ये देखो, ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा। सो इफ़ यू सी दिस एक्सेलरेशन विल बी इसका ये वाला कॉम्पोनेंट, दिस एक्सेलरेशन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा है ना। इसका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डूइंग SHM, ए पी लिख देते हैं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डूइंग SHM विल बी, इंस्टेड इसको ए ले लेते हैं, इसको ए पी ले लेते हैं, ठीक है ना, कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ मैं तुम्हें, आई नो कोई नहीं, डोंट वरी, एंड रिजल्ट विल बी स्वीट। तो ये ए पी है, ये पार्टिकल तुम्हारा UCM कर रहा है और हमें ए निकालना है इसका है ना, तो ये ए पी है। तो अब तुम्हारा ए क्या होगा, ए पी साइन थीटा, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये तुम्हारा थीटा हो गया, तो ये ए पी कॉस थीटा होगा, ये ए पी साइन थीटा होगा, ये क्या होगा, ए पी साइन थीटा, चलो है ना, ए पी साइन थीटा, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा ए क्या आया, यहाँ से ए आया ए पी साइन है ना ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि थीटा वही है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तुम्हारा थीटा था, ठीक है, यहां से ये आया। अब ये आ गया, अब एपी को लिखो, ये क्या था, वी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना, ये था तुम्हारा वी स्क्वायर अपॉन ए, और वी क्या है, ए ओमेगा, वी है ए ओमेगा है ना यार, एक्चुअली ना हमें वो करना ही नहीं चाहिए था, हमें ओमेगा स्क्वायर ए लिखना चाहिए था, हमें इसको ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर ए लिख देते इसको, क्योंकि तुम बार बार वो करोगे, चलो कोई नहीं, इसको डायरेक्टली लिखते हो ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि फिर मैं वो लिखता दो स्टेप बढ़ते फालतू में, तो ये हो जाता ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, और ये नेगेटिव में, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव भी लगा दो, एक नेगेटिव भी लगा दो, ठीक है ना, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, या पहले विजुअली करते हैं, खाली इसको निकालते हैं मैग्नीट्यूड, फिर लिख देंगे कि ये नीचे है, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यार ये क्या चीज़ है, ये तो वाई है ना तुम्हारा, तो देखो एक्सेलरेशन क्या आया SHM का, ओमेगा स्क्वायर वाई नीचे के डायरेक्शन में, या सिंपली लिखो ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। तो यार ये कंडीशन आ गई इसकी, बहुत सिंपली, आई होप यू ऑल हैव रियली ग्रैस्प्ड इट वेल, ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आई थिंक एवरी वन इज इंजॉइंग थॉरली है ना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लाइव चैट में भी। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं,
ओके अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं ओके अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 meter एंड अ पीरियड ऑफ 11.7 seconds. Calculate the velocity of the particle at the moment when its displacement is 0.6 meters. ठीक है 0.6 meters पे आपको वो निकालना है क्या निकालना है उसकी velocity. अब देखो ऐसे problems में अब देखो mathematically करके दिखा देता हूँ. A क्या है आपका A1 है बहुत बढ़िया. Time period क्या given है 11/7. Time period is 11/7. बट हमें ये नहीं चाहिए हमें ओमेगा चाहिए. टाइम पीरियड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब टी से सब कुछ गिवन है. या अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो सब कुछ गिवन होता. तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं. ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं. तो आपको ये पता है तो वो सब भी पता है. ठीक है ना खुश रहो लाइफ में. ठीक है तो ओमेगा क्या होगा ओमेगा होगा 2π/T है ना 2π/टाइम पीरियड. ठीक है ना तो जब आप 2π/टाइम पीरियड निकालोगे तो आपका ओमेगा क्या आ जाएगा. तो यार यहाँ पे ये डालो तो देखो 11/7 और पाई क्या होता है 22/7. ठीक है ना तो ये बेसिकली π/2 है. ठीक है ना तो यार यहाँ पे आपने π/2 लिखा तो ओमेगा कितना आ गया आपका 4. ओमेगा आ गया आपका 4. नाउ इट बिकम्स सुपर सिंपल. आपको निकालना है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज दिस. तो यार बच्चों अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0.6 पे निकालना है चलो देखो तो व्हेन वाई इज इक्वल टू 0.6 meters पे आपको निकालना है वेलोसिटी. क्या निकालना है वेलोसिटी है ना. तो आपको निकालना है वेलोसिटी एट y इज इक्वल्स टू 0.6. ठीक है ना ये निकालना है आपको. तो यार एक वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. ठीक है वो फॉर्मूला क्या था v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. मैं दोनों तरीके से बताऊंगा डोंट वरी मैं दोनों तरीके से बताऊंगा. तो यार ये फॉर्मूला होता है ये आपको पता ही यार यहाँ पे लगा सकते हैं बहुत आसानी से. ठीक है बहुत ही बेसिक. आपको आपके पास ओमेगा है आपके पास a है लाइफ में सुखी रहना इंपॉर्टेंट है. तो यार वेलोसिटी देखो वेलोसिटी एट y इज इक्वल्स टू 0.6 तो ओमेगा क्या है 4 a क्या है 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर. अब मेरे को दिख रहा है यार ये कि 0.8 होगा 0.8 होगा क्योंकि 3-4-5 वाला ट्राइंगल ही तो है ये है ना. ये क्या है ये 3/5 है ये 3/5 है तो 4/5 आएगा इससे. ठीक है तो 4/5 होगा हाँ तो देखते हैं इसको इससे क्या आएगा. देखो तो ये आ जाएगा पॉइंट मैंने क्या बोला था 0.8 आएगा हाँ सॉरी 0.8 आएगा है ना 0.8 तो नहीं 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 0.8 नहीं आएगा रुको 0.8 का होल स्क्वायर आएगा हाँ 0.8 का होल स्क्वायर आएगा 0.8 का होल स्क्वायर 6/8 10 का ट्राइंगल है ये 6/8 10 का ही ट्राइंगल है. ठीक है तो 4 कर लेना मैंने थोड़ा एक वो लगाया है शॉर्टकट 4×8=32 होता है तो ये 3.2 आएगा 3.2 meters per second. ठीक है ना तो ये 3.2 आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. ठीक है सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. चलो क्या हम इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं. चलो अब हम इसको थोड़ा ऑल्टरनेटिवली भी करके देखते हैं. सो नाउ लेट्स डू मेथड टू. ठीक है नाउ लेट्स ट्राई टू डू इट वाया मेथड टू. थोड़ा विजुअली करने की कोशिश करते हैं. तो यार यहाँ पे क्या है पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1. ओके अब अगर इसका SHM 1 हो रहा है ठीक है तो देखो 1 वाले गोले पे देखो बहुत प्यार से करेंगे इसको 1 वाले गोले पे है ना एक गोला बनाओ. देखो हमेशा रिलेट करोगे मज़ा आएगा. 1 का गोला बनाया 1 रेडियस का है ना ये एम्पलीट्यूड है ना 1 एम्पलीट्यूड है 1 आपको पता ना SHM ऐसे 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 हो रहा है. तो चलो 1 का आपने ये बनाया रुको है ना तो ये हो जाएगा आपका +1 ये हो जाएगा -1 है ना. यार यहाँ पे ये वाई है ये एक्स है वाई पे हो रहा है SHM. ठीक है आपका SHM इस पे हो रहा है. अब यार यहाँ पे ये गिवन है कि पार्टिकल इज एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.6. अब जरूरी नहीं है कि 0.6 हाँ यहाँ पे आपका पार्टिकल SHM में यहाँ पे ठीक है आपका पार्टिकल SHM में यहाँ पे तो UCM में कहाँ पे होगा टंग 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 या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे भी सेम होती है यहाँ पे भी सेम होती है. स्प्रिंग वाला केस समझो स्प्रिंग देखो स्प्रिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ना यहाँ पे भी स्प्रिंग ऊपर जाएगी जब नीचे भी जाएगी तो सेम वेलोसिटी होगी एनर्जी से समझ लिया. ठीक है ना तो यार यहाँ पे अब आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे आपको बताना है इसकी वेलोसिटी क्या है. अब यार आपको ये चीज़ पता है कि यार ये 0.6 है तो यार अगर ये 0.6 है ना अगर ये 0.6 है तो जल्दी से अब इसको निकालो है ना. अब आप ये इसका एंगल निकाल लो कि किस एंगल पे है मतलब इसका जो UCM हो रहा है ना इसका जो UCM हो रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी इसकी वेलोसिटी होगी a ओमेगा क्या होगी जल्दी से बताओ a ओमेगा होगी 4 meters per second है ना. तो ये होगी 4 meters per second इसकी वेलोसिटी है 4 meters per second मतलब आपका आंसर तो 4 से कम ही होगा फॉर श्योर है ना क्योंकि इसका एक कॉम्पोनेंट इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट है वो इसकी वेलोसिटी है. ठीक है ना आप समझाता हूँ तो इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे
वो इसका एक कॉम्पोनेंट है। तो यार अब देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, है ना, ये थीटा है, ये थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा। तो योर आंसर इज, है ना, सो यू नो दैट दिस वेलोसिटी इज वी, तो योर आंसर वी इज ए ओमेगा कॉस थीटा, ए ओमेगा कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, ये भी बड़ा सिंपल है। अब देखो थीटा कितनी सिंपली आ गया, ये 1 होगा इसका रेडियस, और ये क्या है 0.6, ये 0.6 है, तो यार ये क्या होगा जल्दी से बताओ, ये क्या होगा, समझ में आ रहा है, ये 0.6 है तो कॉस थीटा क्या होगा, ये 0.8 आ जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा क्या है, दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, तो ए ओमेगा क्या होगा 4, है ना, ए ओमेगा 4 हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया 0.8 अपॉन 1, इसको आपने विजुअली भी कर दिया। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ डिड आई डू दिस, है ना, आई डिड दिस लाइक दिस एंड देन आई ऑल्सो डिड इट लाइक दिस, ठीक है, मैंने गोला बनाया, मैंने देखा पार्टिकल इज डूइंग SHM, UCM में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका गोला वाला मेथड हो गया। तो यू डिड इट बोथ वेज, फॉर्मूला याद हो ना या ना हो, ठीक है, आपने ये करा, फिर आपने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराया, और भाई लाइफ इज चिल्ड, ठीक है ना। तो यार दैट्स अबाउट इट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बाद में करेंगे, सो आई होप यू गाइज लव्ड इट। अब कल के लिए वेट करो, है ना, ये कल कराएंगे क्वेश्चंस, अब कल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, एंड आई होप यू रियली लव्ड इट टुडेज क्लास, आई मीन बहुत एफर्ट गया आज की क्लास में, है ना, एंड रियली लव यू गाइज, है ना, क्योंकि आप इस रेवोल्यूशन को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हो। तो ये 11th के टाइमिंग है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 7-8-9 बजे JEE लाइव डेली पे, फ्राइडे सैटरडे संडे 12th ग्रेड होता है, थर्सडे को स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं जिसमें सब आते हैं। उसके अलावा देखो, अगर आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है, यहाँ पे आपको विजुअली हम पढ़ा पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है, मतलब यू आर लाइक दिस इज द बेस्ट एजुकेशन, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार ये Unacademy प्लस है, तो ये उस पर भी 4 चांद बना लगा देगा और आपकी रैंक को आराम से बूस्ट कर सकता है। सो अगेन, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है, अगर आपको मेरे किलर विजुअलाइजेशन किलर लगते हैं, तो डेफिनेटली डू यूज़ द कोड NAMOLIVE वेन एवर यू आर टेकिंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस, ठीक है ना। बट जैसे कि मैंने बोला, ये दोनों सबसे किफायती पड़ते हैं, वेन यू यूज़ द कोड NAMOLIVE इनका कॉस्ट लगभग 2000 रुपये पर मंथ आएगा, 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन पे। और यार ये होता है 12th और ड्रॉपर्स के लिए, और ये वाला होता है आपके 11th और 9th 10th के बच्चों के लिए, ठीक है ना। सो दैट्स अबाउट इट, काफ़ी सारे 9th और 10th के बच्चे भी हैं जो अभी से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं, दे आर लाइक इजीली गेटिंग इन द टेस्ट सीरीज अबव 40%, तो डेफिनेटली उस, और देखो कट ऑफ आपका 37% होता है, तो यार ये बढ़ता रहता है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज। और यार उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये रेवोल्यूशन। तो यार आज ये इंस्टाग्राम पे जाओ, इसको फॉलो करो, इस हैशटैग को फॉलो करो, आपको पता चलेगा कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैसे शेयर कर रहे हैं डेली स्टोरीज विद द हैशटैग JEE लाइव डेली विद अ ग्लिम्स ऑफ आवर सेशंस, ठीक है ना। तो प्लीज़ करना, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस। आप हमें टैग भी कर सकते हो, ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। और अगर आपने ये लाल वाला बटन नहीं दबाया है तो बहुत गलत कर रहे हो, तो ये दबाव जाना चाहिए, ये घंटा भी बच जाना चाहिए। एंड PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ये हमारी ऑसम टीम है, एंड दिस इज Unacademy JEE YouTube चैनल, और उसके साथ लेट्स क्रैक इट बच्चों, लेट्स क्रैक इट विद Unacademy नीट फॉर मेडिकल एंड Unacademy फाउंडेशन फॉर योर CBSE एंड ICSE, और ऑब्वियसली ये तो हमारा ट्रू लव है ही, है ना, एंड ऑब्वियसली वी हैव क्रॉस्ड 5.5 लाख स्टूडेंट्स इन सच अ लेस टाइम, एंड दिस एक्सेलरेशन इज अनबिलीवेबल, ठीक है। सो डेफिनेटली वी वुड लव टू टीच यू पर्सनली ऑल्सो ऑन Unacademy प्लस, एंड सी यू वेरी सून, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड टाटा।